ईयर 1973 में अपनी पहली फिल्म में लाल रंग की बिकिनी पहनकर सबको चौंका दिया। पहली फिल्म में अपनी दमदार एक्टिंग से जिन्होंने बॉलीवुड में भूचाल मचा दिया, जिनको उनके ब्यूटीफुल एंड बोल्ड अंदाज के लिए जाना जाता है, जिनके फादर इतने ज़्यादा पैसे वाले थे कि अक्सर फिल्मी सितारों को पार्टी दिया करते थे, इनके हस्बैंड इनसे 15 साल बड़े थे और इनका जीवन काफ़ी एक्साइटिंग था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डिम्पल कपाड़िया की। डिम्पल कपाड़िया का जन्म 8 जून 1957 को गुजराती परिवार में हुआ था। इनके फादर चुन्नी भाई कपाड़िया एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और इनकी माँ बेटी एक हाउसवाइफ थी। ये चार भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। डिम्पल का एक भाई मुन्ना और दो छोटी बहनें सिंपल कपाड़िया, जो कि एक एक्ट्रेस हुआ करती थी, और रीमा एक बहन थी। डिम्पल कपाड़िया ने अपनी प्राइमरी एजुकेशन सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल से की। डिम्पल कपाड़िया के फादर चुन्नी भाई कपाड़िया बहुत ज़्यादा रिच थे, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। वो अक्सर फिल्मी सितारों को अपने घर समुद्र महल में पार्टी देते थे और ऐसे में एक पार्टी में 13 साल की डिम्पल को देखा फिल्म डायरेक्टर और एक्टर राज कपूर ने, और देखते ही रह गए। उस समय राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर पर्दे पर आने वाली थी। राज कपूर ने इस फिल्म में अपना काफ़ी पैसा लगाया हुआ था, लेकिन फिल्म जब रिलीज हुई तो वो बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। इसके बाद राज कपूर ने नए एक्टर्स को लेकर फिल्म बनाने के लिए सोचा। अपने बेटे ऋषि कपूर को बॉबी फिल्म के जरिए उन्होंने लॉन्च किया और हीरोइन के लिए उनके मन में पहले से ही डिम्पल थी। उस वक्त डिम्पल महज 16 साल की थी जब बॉबी फिल्म की शूटिंग शुरू हुई, और इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात हुई राजेश खन्ना से, और डिम्पल ऑलरेडी राजेश खन्ना की बहुत बड़ी फैन थी। जब वो स्कूल में थी तो क्लास बंक करके राजेश खन्ना की फिल्में देखने जाया करती थी। एक दिन चांदनी रात में समुद्र के किनारे डिम्पल और राजेश खन्ना टहल रहे थे, तभी बातों ही बातों में काका ने डिम्पल को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। 16 साल की डिम्पल को कुछ नहीं समझ आया और सब कुछ उन्हें एक सपने जैसा लगा, क्योंकि डिम्पल जिसकी इतनी बड़ी फैन थी वो उनसे शादी के लिए कह रहा था, तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। मार्च 1973 में दोनों ने शादी कर ली। राजेश खन्ना डिम्पल से उम्र में लगभग 15 साल बड़े थे। राजेश खन्ना के स्टारडम का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनकी डिम्पल संग शादी की एक छोटी सी फिल्म बनाई गई थी, जिसे देश भर के सिनेमाघरों में दिखाया गया था। बॉबी फिल्म की शूटिंग की वजह से राजेश खन्ना और डिम्पल ने अपने हनीमून को 2 महीने के लिए टाल दिया था। ऋषि कपूर ने एक ट्वीट के जरिए इस बात का खुलासा किया कि जिस वक्त बॉबी की शूटिंग चल रही थी उस वक्त डिम्पल प्रेग्नेंट थी, उनके पेट में ट्विंकल खन्ना थी। राजेश खन्ना ने शादी के वक्त डिम्पल के आगे एक शर्त रखी थी कि शादी के बाद वो फिल्में नहीं करेंगी, और उस समय वो महज 16 वर्ष की होने के वजह से उनकी बात मान गई। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो रातों रात स्टार बन जाएंगी। बॉबी फिल्म रिलीज हुई और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और रातों रात डिम्पल सुपरस्टार बन गई। जितने यंगस्टर्स थे उनके दीवाने हो गए। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर का अवार्ड भी मिला। इस फिल्म के बाद उनके पास कई फिल्मों की कतार लग गई थी, लेकिन उन्होंने सभी फिल्मों के ऑफर्स को ठुकरा कर एक आइडल बीवी बनना चुना। कुछ साल के बाद राजेश खन्ना का फिल्मी करियर ग्राफ नीचे गिरता चला गया, जिसके बाद वो शराब के आदि हो गए, और डिम्पल फिल्मों में काम करना चाहती थी, वो अपने करियर को नए मकाम पर ले जाना चाहती थी, जिससे दोनों में अनबन होने लगी थी। जब पानी सर से ऊपर हो गया तब शादी के 10 साल बाद 1982 में डिम्पल राजेश खन्ना से अलग हो गई। राजेश खन्ना से अलगाव के बाद साल 1984 में फिल्म जख्मी शेर के साथ उन्होंने फिल्मों में वापसी की, जिसमें उनके ऑपोजिट राजेश खन्ना के दोस्त जितेंद्र थे, लेकिन फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप रही। इसके बाद रमेश सिप्पी की फिल्म आई सागर, जिसमें एक बार फिर ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया की जोड़ी दिखाई दी। इसमें डिम्पल ने अपने सेक्सी बोल्ड इमेज से दर्शकों को चौंका दिया। मधुबाला के बाद डिम्पल को बॉलीवुड इतिहास की सबसे खूबसूरत हीरोइनों में से एक माना जाता है। एक मशहूर पत्रिका में इसका जिक्र हुआ था, उन्हें दूसरा स्थान दिया गया था। जब उनका करियर पीक पर था तो उन दिनों वो काफ़ी मूडी होती थी, इस वजह से कई डायरेक्टर और प्रोड्यूसर काफ़ी परेशान भी हुए, जिनमें फिरोज खान जैसे दिग्गज भी थे। डिम्पल ने अपने करियर में अब तक तकरीबन 75 फिल्मों में काम किया है,
बॉबी, रामलखन, सागर, लेकिन, अजूबा, नरसिम्हा, गर्दिश, अल्लाह रखा, इंसानियत, 20 साल बाद, साजिश, इंसाफ, रुदाली, क्रांतिवीर, फाइंडिंग फैनी, पटियाला हाउस, लक बाय चांस, दबंग और कॉकटेल जैसी हिट फिल्मों में भी वो नजर आ चुकी है। डिंपल जब अनिल कपूर के साथ जाबाज के लिए एक इंटीमेट सीन दे रही थी तो अनिल कपूर के शरीर पर ढेर सारे बाल देखकर डिंपल ने कहा था कि इन्हें नाई के पास ले जाओ। ये बात अनिल कपूर को चुभ गई थी। कहा जाता है कि राजेश खन्ना से पहले फिल्म बॉबी की शूटिंग के दौरान डिंपल और ऋषि कपूर एक दूसरे को चाहने लगे थे, लेकिन किन्हीं वजहों से इनका ब्रेकअप हो गया। सनी देओल और जैकी श्रॉफ के साथ डिंपल की जोड़ी को खासा पसंद किया गया। राजेश खन्ना से अलग होने के बाद डिंपल और सनी के अफेयर की खबरों ने भी उन दिनों बेहद सुर्खियां बटोरी थी। दोनों का रिश्ता 11 साल तक चला था। सनी देओल की पूजा से शादी हो चुकी थी, इसके बावजूद उन्होंने डिंपल को भी अपनी पत्नी का दर्जा दिया था। खबरें ये भी आई थी कि दोनों ने शादी भी कर ली थी, लेकिन ऑफिशियली इस बात को किसी ने भी डिक्लेयर नहीं किया। जब सनी और डिंपल एक दूसरे को डेट कर रहे थे तो डिंपल की दोनों बेटियां ट्विंकल और रिंकी सनी को छोटे पापा कहकर बुलाने लगी थी। और ये खबर पिंकवला में छपे आर्टिकल फ्राइडे फ्लैशबैक के मुताबिक सामने आई थी, जहां एक ओर डिंपल बंटवारा जैसी फिल्मों में धर्मेंद्र की हीरोइन थी तो दूसरी तरफ धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल की अर्जुन, मंजिल मंजिल जैसी फिल्मों में उनकी भी हीरोइन रही। बताया जाता है कि दोनों के रिश्ते में उस समय कड़वाहट आई थी जब सनी देओल की जिंदगी में एक्ट्रेस रवीना टंडन की एंट्री हुई थी। लेकिन सनी और रवीना का रिश्ता लंबे समय तक नहीं चला। डिंपल और राजेश खन्ना अलग जरूर रह रहे थे, लेकिन दोनों का तलाक नहीं हुआ था। अलग होने के बाद भी डिंपल ने लोकसभा चुनाव लड़ रहे पति राजेश खन्ना के साथ मिलकर उनका प्रचार किया। राजेश डिंपल को डिंपी कहकर पुकारते थे और डिंपल राजेश को प्यार से काका बुलाती थी। राजेश खन्ना अपनी बीवी डिंपल से बेहद मोहब्बत करते थे, ये उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था। डिंपल को एक बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं। डिंपल राजेश खन्ना की दो बेटियां हैं, ट्विंकल और रिंकी खन्ना। ट्विंकल की शादी बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार से हुई और रिंकी की शादी बिजनेसमैन समीर सरन से हुई। 18 जुलाई 2012 को राजेश खन्ना इस दुनिया से चले गए। राजेश खन्ना ने जय शिवशंकर नाम की एक फिल्म में डिंपल को अपनी हीरोइन के रूप में चुना। ये फिल्म अधूरी ही रह गई। अब डिंपल अपने बच्चों के साथ अपना जीवन जी रही हैं और फिल्मों में भी एक्टिव हैं। डिंपल कपाड़िया मोमबत्ती भी डिज़ाइन करती हैं। उनके डिज़ाइनर मोमबत्तियां बहुत महंगे दामों में बिकती हैं। अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया उन कलाकारों में शामिल है जिन्होंने हिंदी सिनेमा की नायिका की परंपरागत छवि को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और फिल्मों में भी सक्रिय हैं।